हेलो दोस्तों, तो आज का प्री क्योर देखते हैं। ज्योग्राफी में आज सबसे पहला करंट अफेयर्स है आपका वेब पोर्टल गति। गति इज एसोसिएटेड विद स्पीड, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन से एसोसिएटेड ही आपका ये न्यूज़ रहेगी, ठीक है। तो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल बनाया है जिसको गति कहा गया है, और इसकी इंस्पिरेशन जिस पोर्टल से ली गई है दैट इज़ प्रगति पोर्टल। तो वील एक्चुअली इन द एंड वील ऑल्सो सी कि प्रगति पोर्टल क्या है। तो बेसिकली जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पोर्टल बनाया है, ये जो है इस पे जो भी प्रोजेक्ट हो राइट, उससे रिलेटेड कोई भी इशू हो उसको कैटर किया जाएगा, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स का इशू हो, कंसेशनरीज का इशू हो, तो ऑल दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम दिस वेबसाइट, ठीक है। तो गति में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो भी मुद्दे हैं इससे एसोसिएटेड उसको रिजॉल्व किया जाए, उसके एसोसिएशन में ये आपका बनाया गया है पोर्टल, ठीक है। तो इमीडिएटली पोर्टल बनाने से क्या होगा कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं ना, टॉप मैनेजमेंट है या फिर जो भी एसोसिएटेड कंसर्न ऑफिसर हैं, दे विल बी टेकिंग इमीडिएट एक्शन, क्योंकि पोर्टल में जाते ही उनके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगी कि ऐसे कुछ मुद्दे हैं। अब आप कहोगे किस तरह के मुद्दे, राइट। तो अभी तक यहाँ पे हाईवे कंस्ट्रक्शन को कैटर किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात है तो हाईवे कंस्ट्रक्शन की ही बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आगे जाके कुछ चेंजेस होते हैं वी ऑल्सो अपडेट यू ऑन दैट, ठीक है। चलो, प्रगति पोर्टल की मैं बात कर रही थी। तो 2015 में जो है एक पोर्टल आया है जिसका बेसिक एजेंडा क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस, कि गवर्नेंस को और बेटर कैसे किया जाए, किस तरह की गवर्नेंस, कि यदि किसी भी सिटीजन के कुछ ग्रीवियंसेस हैं, ठीक है, या इन जनरल कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग, ठीक है, वो किस तरह से चलेंगे, किस तरह से दिक्कतें रिजॉल्व की जाएं, उनको बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है ये एड्रेस करता है। तो बेसिकली एक तो ग्रीवियंसेस ऑफ कॉमन मैन, एंड सेकेंडली जो भी गवर्न प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग को ये जो पोर्टल है वो असेस करता है। तो आप देख रहे हो दोनों पोर्टल्स में सिमिलैरिटीज हैं, ये कुछ मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है इन अ बेटर वे, राइट, कि उसको जल्दी और एफिशिएंट तरीके से ऑनलाइन ही रिजॉल्व करने की शुरुआत कर दी जाए, ठीक है। नहीं तो यूजली क्या होता है, आप ऑफिसेज में खड़े रहते हैं, आपकी बारी नहीं आती, कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल आर नॉट वेरी वेलकमिंग, राइट, क्योंकि दे आर ऑब्वियसली ओवरबर्डन विद वर्क एंड देर कुड बी अदर रीजंस एज वेल, है ना। बट देन अगेन उसको प्रोएक्टिव कैसे बनाया जाए उसके लिए इन दोनों पोर्टल की बात हुई है, ठीक है जी। चलो, अब प्रगति में जो मेन चीफ इसके एम्स थे क्या थे, प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो, मॉनिटर हो और ग्रीवियंस रिड्रेसल भी हो। तो ये तीनों फैक्चुअल डेटा है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, ओके। एक ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी न्यूज़ में थी, तो इंडिया का भी प्रिलिमिनरी डिस्कशन हो रहा है कि ये जो ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी की बात है, ठीक है, इसमें जो है इंडिया भी कॉन्ट्रीब्यूट हो, राइट। तो बेसिकली क्या है, जो ईस्ट एशियन ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, इसका बेसिकली एजेंडा क्या है, ऑब्जर्वेटरी की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ईस्ट एशियन रीजन में एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने की, उसमें जॉइंट प्रोजेक्ट्स बनाने की बात हो रही है। नाउ यू नीड टू स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड सी ईस्ट एशिया में कौन से रीजन्स आएंगे, ठीक है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, इन द एंड आई विल टेल यू इसमें कौन कौन से कंट्रीज एसोसिएटेड ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसका टास्क क्या है कि जो ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप है ना मोनाकी हवाई में, वहाँ पर उसका ऑपरेशन इसको अज्यूम करे, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेटरी वहाँ पर बेसिक एजेंडा क्या था कि भाई एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में आपको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं सबसे पहली शुरुआत जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप के द्वारा की जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे क्योंकि हवाई की बात हो रही है तो हवाई में ईएओ को चार्टर किया जा रहा है एक नॉन प्रॉफिट कोऑपरेशन में, ठीक है। अगर आप मेंबर्स की बात करो तो चाइना, जापान, ताइवान और कोरिया इसके फुल टाइम मेंबर्स हैं, और थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया इसके ऑब्जर्वर्स हैं, और अभी इंडिया की बात चल रही है। याद है शुरू में हमने 8 मेंबर्स की बात की थी, तो दीज आर द 8 कंट्रीज आई वाज रेफरिंग टू, ठीक है जी, सिंपल। चलो, एक है आपका पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसा है जी कि कन्वेंशन किस बारे में हम आगे आते हैं, बट ये न्यूज़ में क्यों था, ये जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन है ये बेसिकली मार्क करिए कि एक ट्रेडमार्क चाह रहे हैं कि भाई खादी के लिए एक अलग से ट्रेडमार्क बन जाए ताकि वो एक कन्वेंशन के अंडर आ जाए। कन्वेंशन के अंडर आने का एजेंडा क्या है कि जितने भी प्रोटेक्शंस होती हैं राइट, वो सब आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। अभी ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है,
ट्रेडमार्क होता है कुछ ऐसा, मैकडोनल्ड्स का देखा है आपने, आई एम लविंग इट, तो कोई सिंबल हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, कोई कैच फ्रेज हो सकता है जो कि स्पेसिफिकली आपके ब्रांड को एसोसिएट करे। तो ये मैंने आपको फोटो दे दिया, आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि ये मैकडोनल्ड्स का ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क से एसोसिएटेड जो कन्वेंशन है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाह रही थी कि बहुत डिटेल में नहीं आएगा ये, बट एटलीस्ट अगर कन्वेंशन का नाम आ जाए तो आपको बताओ भैया किस कन्वेंशन से एसोसिएटेड है। पेरिस कन्वेंशन किस लिए? प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। ये 1883 में आया था और ये पहला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रीटी थी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आपने अपने इंटेलेक्ट से बनाई होती है, ठीक है। अगेन इवन दो इतनी पहले आई थी, इट इज स्टिल करंटली इन फोर्स, ठीक है। और इसको कौन एडमिनिस्टर करता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है जी। चलो व्योम मित्रा देखते हैं। व्योम मित्रा जो है बेसिकली एक फीमेल ह्यूमनॉइड बनाने की कोशिश है, सिंपल शब्दों में एक फीमेल रोबोट बनाने की कोशिश की जा रही है इसरो द्वारा, कि गगनयान के साथ हम उसे भेजते हैं। तो अभी 22 जनवरी को ही इसको अनवील किया गया है। तो बेसिक एजेंडा क्या है कि जो भी स्पेस मिशंस हैं उनमें इस ह्यूमनॉइड को एस्ट्रोनॉट्स के साथ भेजा जाए, ऑल्सो जब गगनयान हो तब भी उसे भेजा जाए। तो फिलहाल जो इमीडिएट प्लान, जिसके बारे में हमें न्यूज़ में पता है, राइट, कि 2020 में वही जो इसरो के GSLV-3 रॉकेट में इसे भेजा जाएगा, दिस वी ऑब्वियसली नो। लेकिन ध्यान रखना कि इसका एजेंडा ये नहीं कि बस स्पेस में गए एंड मे बी जस्ट लाइक एनिमल्स को भेजा जाता पहले पहली बार, इसलिए पहली बार रोबोट को भेजा गया। नो, इट हैज़ बेटर फंक्शंस। कि अगर बेसिक फंक्शन क्या है कि रोबोट जो है, ठीक है, वेटलेसनेस, जैसे आप जाते हो स्पेस में यू बिकम वेटलेस, राइट। सो वेटलेसनेस पे एक रोबोट का क्या इफेक्ट है ना, और रेडिएशंस पे क्या इफेक्ट है, और ह्यूमन बॉडी अगर इस तरह इन कंडीशंस में रहे इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में, तो उसके इफेक्ट्स पढ़ने के लिए भी इसको केटर किया जाएगा। टेक्नोलॉजी क्या यूज होगी, व्हाट विल बी डन, इस पे अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आप ध्यान दो तो इसको बेसिकली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया गया है, कि पूरी बॉडी और आर्म्स भी बनाई गई हैं, राइट। तो फिलहाल आप क्या करेंगे कि जो गगनयान है उसके क्रू के साथ इसको भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब वहाँ जाके काम क्या करेंगे ये, कि एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ जाके वार्निंग्स बताएंगे ये जो ह्यूमनॉइड है, ठीक है, या ऑपरेटिंग स्विचेस करेंगे, या फिर वॉइस कमांड्स लेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे वाया स्पीच। तो ये सभी काम करके कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी वहाँ पे और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कैसे बनाई जाए, राइट, कि उसको बेटर कैसे किया जाए पूरे प्रोसेस को, इस पे बात होगी, ठीक है, ओके। अब है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। ये सोशल मोबिलिटी क्या होती है? सोशल मोबिलिटी तो सोसाइटी में कितना बेटर हो गया आप, है ना, कि बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं वैसे तो, पर सिंपल शब्दों में समझो तो मान लो कि हम न्यूज़ में कितनी बार देखते हैं कि सो एंड सो काम करने वाले का बेटा या बेटी IAS ऑफिसर्स बन गए, है ना। बताते हैं कई बार कि बहुत रिसोर्सफुल फैमिली नहीं थी, बट सडनली बच्चा IAS बन गया, तो सोसाइटी में आगे बढ़ गया। इसे बोलते हैं सोशली मोबाइल होना, कि कितना आप सोसाइटी में आगे बढ़े हो, राइट, और आप कितना बढ़ सकते हो, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं इस पर एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। किसने दी है जी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दी है, और पहली बार ऐसी कोई सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट आई है। तो 5 डिमेंशन हैं जिस पे ये काम करती है, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, अपॉर्चुनिटीज, राइट, सोशल प्रोटेक्शन, इनके बेसिस पे ये कंट्रीज को जज करते हैं कि आपके यहाँ एजुकेशन कितनी है, आपके यहाँ टेक्नोलॉजी कैसी है, आपके यहाँ वर्क कल्चर कैसा है, कैसे राइट्स दिए जा रहे हैं, कैसी हेल्थ है, कि कितनी बेटर फैसिलिटीज आप दे रहे हो कि एक बंदा जो कि सोशल हायरार्की में बहुत नीचे है वो ऊपर आ जाए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो टॉप परफॉर्मर है, सबसे पहला मिला है आपके डेनमार्क को, ठीक है। अगर आप ब्रिक्स कंट्रीज की बात करो तो बेस्ट कंट्री जहां पे सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है विद ऑल दीज रिसोर्सेज, दैट इज रशिया। इंडिया 4th नंबर पे आता है अमंग ब्रिक्स कंट्रीज, ठीक है। इन जनरल 76th आ रहा है, ठीक है। अब 2-4 चीजें और बोलती है वो, कि ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो कि अगर सोशल मोबिलिटी हुई तो सबसे ज्यादा राइज करेगी। बोलते हैं चाइना, कि चाइना में, कि अगर चाइना की जो भी पॉपुलेशन है जो कि सोशली बहुत फ्लरिश नहीं है, अगर वो सोशली आगे आ जाए, राइट, विद द रिसोर्सेज दे हैव, तो सबसे ज्यादा गेन कौन करेगा? चाइना करेगा, ठीक है। अगेन एक इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स भी देते हैं कि अगर सोशल मोबिलिटी जो है वर्ल्ड में सिर्फ 10% बढ़ जाए, मान लो कि अगर 100 लोग हैं वर्ल्ड में, तो 100 में से अगर 10% भी, 10 लोग भी आगे बढ़ जाएं, तो अल्टीमेटली सोशल कोहिजन बढ़ेगा, सोसाइटी आगे बढ़ेगी, और वर्ल्ड की इकोनॉमी भी 5% तक बढ़ जाएगी बाय 2030, ठीक है। तो ये एक डेटा है जो आप याद करोगे।
ठीक है। और एक और चीज बोलते हैं कि भाई स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म भी प्रमोट करते हैं। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म तो आपको पता है कि जितनी भी कॉरपोरेशंस या फर्म्स हैं वो अपने ही प्रॉफिट के बारे में सोचें, लेकिन स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म क्या होता है कि इवन दो जितनी भी कॉरपोरेशंस हैं, फर्म्स हैं, अपने स्टेक होल्डर्स को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे एजेंडा प्रॉफिट नहीं होता, लॉन्ग टर्म बात होती है कि लॉन्ग टर्म में स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट कैसे होगा। जैसे यूजली जब आप कैपिटलिज्म की बात करते हो आप बस इतना सोचते हो कि बस आज प्रॉफिट कैसे हो जाए, बट व्हेन आई से द टर्म स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म इट मींस कि लॉन्ग ड्यूरेशन में किस तरह से स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट हो। ठीक है जी। अच्छा, ये एक और चीज प्रपोज करता है कि कुछ एक नया सा फाइनेंसिंग मॉडल बनना चाहिए। ठीक है, जो भी सोर्सेज ऑफ टैक्सेशन है वो रीबैलेंस होनी चाहिए। किससे ज्यादा टैक्स लेना है, किससे कम टैक्स लेना है, पब्लिक स्पेंडिंग कितनी होनी चाहिए, किस पॉलिसी से क्या इंसेंटिव होना चाहिए, बेसिकली पूरी की पूरी सोसाइटी को रीमॉडल करने की बात करता है ताकि सोशल मोबिलिटी बढ़े। ठीक है, कितना वर्केबल मॉडल है, कितना नहीं है, दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए। अगर आपको एग्जामेटिक करने को आता है यू शुड बी एबल टू आंसर। ठीक है जी, चलो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।